गाजीपुर के बसपा सांसद अफजाल अंसारी जिन्होंने आज गाजीपुर के रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में गाजीपुर के सांसद की हैसियत से पहुंचे थे और इस कार्यक्रम में भाजपा MLC विशाल सिंह चंचल भी पहुंचे थे। इस दौरान जब भाजपा MLC से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इन सभी दलों का वही हाल है कि उनके प्रत्याशियों का भी वही हाल है कि जिस दल से सांसद है उससे इस्तीफा दिया नहीं और दूसरे ने उन्हें टिकट दे दिया या उल्टे सीधे बोलकर चर्चा में रहना चाहते हैं। दलों का यही हाल है और इन दलों के प्रत्याशियों का भी यही हाल होता है। आप देखिए, जिस दल से सांसद हैं उससे अभी इस्तीफा दिया नहीं, दूसरे दल ने टिकट दे दिया, तो वो समय बहुत बदल गया है। और ये जो उल्टे सीधे बोल के चर्चा में रहना चाह रहे हैं, आप सबसे अनुरोध है कि उनके बयान को बहुत गंभीरता से न लीजिए। वो देश के पहले सांसद होंगे जिन्होंने 5 साल किसी का निमंत्रण न्योता हकारी नहीं किया, केवल अपना डेट देखा कि कब बिल है, कब तारीख है, कब ये है। पूरे परिवार का उन्होंने, गाजीपुर का विकास छोड़िए, अपने परिवार की केवल डेट ही पे ही गए वो 5 साल। और एक भी, आज वो प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात कर रहे हैं, वो सब आप सबको पता है कि वो पैसा केंद्र सरकार का होता है, उसको किस कार्यदायी संस्था उसे बनाती है। अब ये दुर्भाग्य है कि वो गाजीपुर के सांसद हैं तो वहाँ शिलापट्ट के बगल में वो खड़े हो गए, तो उन्होंने कितना काम किया, उनकी निधि का कितना यूज हुआ है, आप सब उसको विकास भवन से चेक कर सकते हैं कि 5 साल उन्होंने कितना विकास का काम किया।